छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय को सरकार में आए 6 महीने हो चुके हैं और अब एक नए सिस्टम की शुरुआत भी विष्णुदेव साय करते हुए नजर आ रहे हैं, जिनमें उनके सेक्रेटरी राहुल भगत का ये प्लान है कि जन दर्शन होना चाहिए, विष्णुदेव साय लगातार संवाद करते रहें, गुड गवर्नेंस का मैसेज देते रहें और लोगों के सारे परेशानियों को सुन सकें और डायरेक्टली उनसे संवाद कर उनके परेशानियों को दूर कर सकें। तो इसलिए जन दर्शन की शुरुआत आज विष्णुदेव साय ने की है अपने बंगले पर। बहुत सारे लोग एप्लीकेशन लेकर उनके बंगले पर पहुंचे हैं, राज्य के अलग अलग कोने से आए हैं और आपको ये कॉन्सेप्ट अगर याद होगा तो ये बिल्कुल भूपेश बघेल के भेंट मुलाकात की तरह है। भूपेश बघेल ने अलग अलग जगहों पे जाके हर एक पॉकेट में जाके जन से मुलाकात की थी और उसे भेंट मुलाकात का नाम दिया था। बिल्कुल इसी कॉन्सेप्ट में अब ये जन दर्शन आ गया है और इसी के मायने आज हम समझेंगे कि किस तरह से सीएम से संवाद किया जा सकता है, सीएम हाउस पहुंचा जा सकता है और कितना कारगर है ये सिस्टम, आपके कितने काम आएगा, इसी पर आज हम राउंड अप करेंगे। नमस्कार, जय जौहर, मेरा नाम सुमी केवल पटेल है, मैं आप सभी का स्वागत करती हूं सीजी राउंड अप में और इसी का एनालिसिस करने के लिए, जन दर्शन का एनालिसिस करने के लिए हमारे साथ सीनियर जर्नलिस्ट राम अवतार तिवारी जी जुड़ रहे हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है छत्तीसगढ़ तक पर। ये जन दर्शन भेंट मुलाकात अब नाम बदल दिया गया है लेकिन काम वही है, लोगों से मुलाकात करना, वन ऑन वन उनकी तकलीफों को सुनना। लेकिन सबसे पहले मैं ये जानना चाहूंगी कि इसके लिए सिस्टम क्या है। एक सिस्टम तो बैठाया गया होगा, सीएम सेक्रेटरी इसका ध्यान रखेंगे, राहुल भगत के अंदर ये आता है और वही इसकी देखरेख करेंगे। कोई एक सिस्टम जो बनाया गया है उस सिस्टम के बारे में हमारे ऑडियंस को बताइए, क्योंकि अगर उनमें कोई ऐसे व्यक्ति हैं जिनको कोई परेशानी है, जो अपनी परेशानी लेकर सीएम तक जाना चाहते हैं बिना किसी तकलीफ के, क्योंकि सीएम को मिलना अपने आप में बहुत बड़ा टास्क होता है, तो सीएम से मिलने का जो चैलेंज है उसको कम करने की बात कही जा रही है, तो इस कैसे इससे बचा जाए और क्या सिस्टम बनाया गया है? प्रदेश के मुख्यमंत्री से मिलना आम आदमी को एक तकलीफदायक काम होती है, उसको सरल बनाने की कोशिश का हिस्सा है जन दर्शन, यानी जनता को मुख्यमंत्री से निर्धारित समय, निर्धारित स्थान, निर्धारित तिथि पर आप राजधानी रायपुर आके अपनी समस्याओं से मुख्यमंत्री को अवगत करा सकते हैं। एक लिखित में आवेदन दीजिए, आवेदन में अपनी समस्या बताइए, उस समस्या के दौरान पूरे प्रशासनिक अधिकारी सीएम सचिवालय के, प्रदेश के बड़े अधिकारी उपस्थित रहते हैं, उसकी उपस्थिति में उस आवेदन की समीक्षा होती है। समीक्षा अगर वो तत्काल हल करने लायक है वो हल हो जाते हैं, अगर उसमें कानूनी दिक्कत है या व्यवहारिक दिक्कतें हैं तो ऐसी स्थिति में उस आवेदन को सीएम सचिवालय अपने पास रखकर उसकी समीक्षा करता है, जिलों से रिपोर्ट मंगाता है और रिपोर्ट मंगा कर उसको हल करता है। इससे दो तरीके से फायदा होते हैं जन दर्शन के आयोजन से। इसके पहले प्रथम मुख्यमंत्री अजीत जोगी ने इसकी शुरुआत की थी, वो भी जन दर्शन कार्यक्रम करते थे। जन दर्शन कार्यक्रम से एक बड़ी चीज जो आती है कि जैसा पूरा प्रदेश है, प्रदेश में जो समस्या है, जैसा राजस्व प्रकरणों में विलंब हो रहा है, पानी नहीं मिल रहा है, धान के बुआई के समय खाद की समस्या है, या भ्रष्टाचार बढ़ रहे हैं, अपराध की निरंकुशता है, किसी जिले में किसी ब्लॉक में कोई निरंकुशता कर रहा है, वो उसकी समस्या सीएम तक सीधे पहुंच सकती है, उन आवेदनों पर विचार सकते हैं, जांच हो सकते हैं, तो ये प्रशासन में कसावट आता है। इस तरह के आवेदनों से प्रशासन में कसावट आता है क्योंकि उस आवेदन की पूरी कसरत होती है प्रशासनिक जिम्मेदार बड़े अधिकारियों के थ्रू, एक बात। दूसरे, एक फीडबैक मिलता है कि आज जैसे 1400 आवेदन आए, 1100 आवेदन आए, तो ज्यादातर आवेदन किसके आए, उन ज्यादातर लोगों की समस्याएं क्या है। अभी तक जितने भी योजनाएं जो बनती है छत्तीसगढ़ सरकार की, खासकर वो जन दर्शन जैसे कार्यक्रमों के जरिए ही बना कि जो कि उस आवेदनों में सीएम से जो मिलके आते हैं, क्या वो स्वास्थ्य की समस्या लेकर ज्यादा लोग आ रहे हैं तो स्वास्थ्य की योजनाएं बनती है, उस पर एक उच्च स्तर के अधिकारी गंभीरता से विचार विमर्श करते हैं, उन समस्याओं को हल करने के लिए नीति बनती है और प्रशासन को नीचे तक तह तक ले जाके आम जनता को सुविधा और सुलभ उपलब्ध कराने की कोशिश का हिस्सा जन दर्शन बनता है। यानी कि एक आम आदमी अपनी समस्याओं को इस बड़े, सबसे बड़े सर्वोच्च व्यक्ति तक पहुंचा सके, उसको हल कराने का आश्वासन मिल सके, और जब बड़े सीएम से मुलाकात हो जाए, बातें रख ली जाए,
तो आदमी की आधी समस्या ऐसी हल हो जाती है। आधी समस्या हल करने की कवायद में प्रशासन जुटा रहता है, और उनके सामने अधिकार बहुत है। सीएम के सामने फंड की समस्या नहीं रहती। प्रशासन में जब ऊंचे स्तर तक कोई बात पहुंच जाती है तो नीचे में हल होने में आसान जाता है। तो ये एक जनदर्शन अच्छा माध्यम है जनता से जुड़ने का, जनता की समस्याओं को हल करने का और त्वरित निराकरण का। बिल्कुल, इसमें एक डिजिटल सिस्टम भी बनाया गया है, इनफैक्ट janadarshan.cg.nic.in, इसमें जाकर आप अपनी जितनी भी असुविधाएं हैं जिसके बारे में आपने सीएम को इंटीमेट किया हुआ है अपने एप्लीकेशन के द्वारा, उसके पूरे प्रोग्रेस को देख सकते हैं कि किस तरह से डिसीजन मेकिंग कहां तक पहुंची, क्या इसमें कोई डिसीजन लिया गया है, या कोई भी लेटेस्ट अपडेट आपको अपने एप्लीकेशन पर जानना हो तो आपको जो टोकन नंबर जनदर्शन के द्वारा दिया जाएगा वो दो टोकन नंबर होंगे, एक टोकन नंबर अधिकारियों के पास होगा और एक टोकन नंबर आपको दिया जाएगा। उसी टोकन नंबर के जरिए आप डिजिटली अपने प्रॉब्लम की जो आपके सोल्यूशन है उसको आप डिजिटली ट्रैक इस वेबसाइट पर जाकर कर सकते हैं। आपने जैसे कि बताया अजीत जोगी के टाइम से ये सिस्टम चला आ रहा है, अजीत जोगी ने इस पूरे सिस्टम की शुरुआत की, डॉक्टर रमन सिंह भी करते थे, भूपेश बघेल की भेंट मुलाकात को हमने देखा। अजीत जोगी किस तरह से सिस्टम को करते थे और क्या ये इसका मॉडल जो है बदला है या सभी ने अपने अपने अपडेट्स दिए हैं, इसको एक अपडेशन दिया है, एक अपडेटेड वर्जन ये जनदर्शन है, या बिल्कुल उसी तरह का ये जनदर्शन आपको उसी तरह नजर आ रहा है? देखिए, अजीत जोगी ने जब ये समस्याएं योजनाएं चालू की उसके बाद जैसा आया कि गांवों में पेयजल की समस्या है, जब गांव-गांव में पानी गर्मी के दौरान संकट है, तो उन्होंने जोगी डबरी यानी तालाबों की खुदाई के लिए एक योजना बनवाई और योजना काफी सक्सेस रही और चली। तो इस तरह के आवेदनों से प्रदेश में ये समस्या उभर कर आती है, ये बात उभर कर आती कि इस चीज की समस्या है। उन चीजों को हल करने के लिए जो योजनाएं सरकार बना पाती है और लोगों की समस्याएं हल हो पाती है। धीरे धीरे इस योजना को अपडेट किया जा रहा है। सीएम सचिवालय से जो भी सीएम बन रहे हैं, जो अधिकारी हैं, वो जन सरोकार से जुड़े योजनाएं, केंद्र सरकार की भी है, राज्य सरकार की है, फेलोशिप योजनाएं चलती है जिन गरीबों के लिए, जैसे शादी में जिस बच्चे गरीब लोगों को शादी करना है, शादी में पैसा उपलब्ध कराने का योजना, ऐसी बहुत सारी योजनाएं जन दर्शन के माध्यम से पूर्व में रमन सिंह के समय भी बनी, अजीत जोगी के समय से भी, और भूपेश बघेल ने बड़ा व्यापक रूप देके उसको जनता से संवाद स्थापित करने का एक बड़ा माध्यम बनाया। तो ये अगर आप देखेंगे पूरे अभियान को या पूरे सिस्टम को या पूरे काम के तरीके को, तो एक मुख्यमंत्री आम जनता का करीब पहुंचते हैं, प्रशासन जो में सक्रियता तत्परता आती है और लोगों को सीएम से मिलने का एक माध्यम तैयार कर, ऐसे में सीएम से मिलना, मंत्री से मिलना कठिन होते हैं। मंत्री और सीएम के बंगले के सुरक्षा वाले, उनकी काम के खुद की व्यस्तता इतनी रहती है, तो उसके चक्कर में कई जो आम आदमी है वो आवेदन ले लेकर बंगले बंगले अधिकारी घूमते रहते हैं, उनकी समस्याएं हल नहीं होती। तहसील दफ्तरों में भीड़ लगी है, कलेक्ट्रेट में भीड़ लगी है, और अगर इस समस्या हल नहीं होती तो बलौदा बाजार जैसी बड़ी घटना हो जाती है। तो इस तरह के आयोजन से जो बड़े लोगों के बीच जिलों में होने वाली घटनाएं, तहसील में होने वाली घटनाओं के संज्ञान में आ जाता है समय पर, और उसके हल करने के दिशा निर्देश मिल जाते हैं, और ये प्रशासन की सक्रियता बनती है, जन सुविधाएं तैयार होती है, योजनाओं का सही तरीके से फीडबैक मिल पाता है। तो ये एक अच्छा माध्यम है, इसमें और अच्छा से इसको करके जो ऑनलाइन शुरू किया जा रहा है वो भी एक पारदर्शिता रहेगी। होता क्या है, बहुत सारे लोग आवेदन लेकर आते हैं, अब कई प्रकार के उल्टे सुलटे आवेदन भी आते हैं, उन आवेदनों से हल तो नहीं हो पाते। तो ऐसी स्थिति में जो एक पारदर्शिता तरीके से उसको हल कराएंगे, ताकि शासन या प्रशासन या सीएम के ऊपर मैंने आवेदन दे के आ गया, आवेदन का हल नहीं निकला, इस तरह की बातें नहीं आएगी। आवेदन अगर दिया है आपने, आवेदन जिनाइन है, आपकी समस्याएं जिनाइन है, तो आपका निश्चित तौर पर हल होने का एक रास्ता तैयार होगा। बिल्कुल, पॉलिसी मेकिंग में बहुत मदद मिलेगी गवर्नमेंट को, फीडबैक पता चलता रहेगा, पब्लिक सेंटिमेंट की खबर होगी, और इलेक्शन में भी ये काफी कारगर साबित हो सकता है। आखिरी सवाल यही है, कितना कारगर होता है? आपने बताया पॉलिसी मेकिंग में तो हेल्प होगी, पब्लिक सेंटिमेंट भी लोगों को पता रहेगा, लेकिन भेंट मुलाकात, जब भूपेश बघेल की भेंट मुलाकात होती थी, क्योंकि अभी रीसेंट पास्ट में अगर हम चलें तो काफी बताया जाता था कि कंट्रोल्ड एनवायरमेंट में उसको करने की कोशिश की जाती थी, यानी कि जो क्वेश्चंस हैं, जो दुविधाएं हैं लोगों की, वो भी काफी स्क्रिप्टेड होती थी। उस तरीके से इसे
इसीलिए शायद सीएम को इसका फायदा नहीं हो पाया, क्योंकि भेंट मुलाकात में अच्छे खासे संख्या में लोग उनके पास पहुंचते थे और वो संख्या को देखकर लगता था कि कांग्रेस अब बिल्कुल 10 साल तक तो एटलीस्ट छत्तीसगढ़ से हिलने नहीं वाली। लेकिन भेंट मुलाकात जितना सक्सेसफुल लगा धरातल पर, उतना ज्यादा पॉलिटिकली इलेक्शंस पर उतना साबित नहीं हो पाया। तो कितना कारगर होता है किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के लिए, रूलिंग गवर्नमेंट के लिए, ऐसे भेंट मुलाकात या जन दर्शन करना? देख, भेंट मुलाकात एक अच्छी पहल है। पहल दो तरीके से अच्छी है। एक जो है कि जनता से संवाद जो हर नेता का होना चाहिए, हर जनप्रतिनिधि का होना चाहिए, हर अफसर का होना चाहिए, वो जनता से संवाद, भेंट मुलाकात ये बढ़ेगा। और भेंट मुलाकात संवाद अगर बढ़ेगा तो समस्याओं से रूबरू होंगे, संवाद शुरू होगा और उसका हल निकलेगा। हल की दिशा का एक बड़ा माध्यम ये है, पहली बात। दूसरा, योजनाएं बनाने में काम आएगा। तीसरा ये कि प्रशासन में सक्रियता नीचे से ऊपर तक रहेगी कि आप इस चीज की शिकायत हो गई है, ये शिकायत हो सकती है, ये भ्रष्टाचार या गड़बड़ी नहीं करना है, करेंगे तो ऊपर वालों पे नजर आ जाए। तो एक जनता को प्रशासन में घुसने का, मिलने का और बातें पहुंचाने का, जो बात क्या है, प्रशासन पर अंधे बहरे होने का एक आरोप लगने लगते हैं। तो ये एक आवेदनों से जो शासन पर, प्रशासन तक बातें पहुंच पाएगी, आम आदमी का, सामान्य आदमी का पहुंच और पकड़ वाला आदमी अपने घूम फिर कर काम करा लेता है और मिल लेता है, मगर आम आदमी को मिलना दिनों दिन दुर्भर होता है। तो ये आम आदमी से मुलाकात का जो माध्यम बने रहना चाहिए, इसी से सरकार भी स्थिर रहेगी, सरकार को अपनी वास्तविक स्थिति का पता लगेगा और जनता को उसकी समस्याएं हल होगी। तो एक सेतु की तरह काम करेगा ये योजना, सेतु की तरह काम करेगी ये योजना। और अगर आप भी ऐसे कोई व्यक्ति हैं जिनकी कोई ऐसी दुविधा है, उनके एरिया में, उनके डिस्ट्रिक्ट में ऐसी कोई परेशानी है, तो आप भी अपने एप्लीकेशन को लेकर सीएम ऑफिस पहुंच सकते हैं। यह हर थर्सडे किया जाएगा, 7-11 बजे से शुरू हो जाएगा और 1 बजे तक ये चलेगा। और जितने देर तक सीएम का अवेलेबिलिटी होगा वो ये 2 घंटों के बीच होगा, और इसी 2 घंटों में आप अपने एप्लीकेशन को दे सकते हैं और उस टोकन नंबर के जरिए अपने पूरे प्रोग्रेस को मॉनिटर कर सकते हैं कि डिसीजन मेकिंग कहां हुई, कहां तक पहुंची। और अगर डिसीजन मेकिंग नहीं हो पाई तो आप अगले हफ्ते फिर पहुंच सकते हैं, क्योंकि यह हर हफ्ते अब चलता रहेगा। तो जन दर्शन यह बहुत अच्छी पहल है और पॉलिटिकल पार्टीज के लिए भी यह काफी अच्छा स्ट्रेटेजिकली साबित होता आया है और इस बार भी शायद यह साबित हो। और यह एक सेतु की तरह लोगों के बीच काम करेगा, एक इंटीमेसी बढ़ाएगा सीएम और जनता के बीच में। मैं सुमी केवल पटेल, वीडियो जर्नलिस्ट राघवेंद्र पांडे के साथ विदा लेती हूं। आज के राउंडअप में बस इतना ही। बने रहिए छत्तीसगढ़ तक पर और देखते रहिए छत्तीसगढ़ राउंडअप। नमस्कार, जय जोहार।